बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की मौत हो गई है। अनिल ने बुधवार को छत से कूदकर आत्महत्या की है। घटना सुबह 9 बजे की है। घटना के बाद मलाइका का परिवार और उनके जानने वाले सदमे में है। सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस एक्ट्रेस के घर पहुंच गई है और जानकारी जुटा रही है। मलाइका और उनके परिवार के लिए ये बेहद दुखद और मुश्किल भरा वक्त है। मलाइका अरोड़ा की मां जॉयस भी आयेशा मैनर बिल्डिंग की उसी फ्लोर पर रहती हैं, जिस पर अनिल अरोड़ा रहते थे। 11 सितंबर की सुबह अनिल उन्हें हेलो बोलने नहीं आए थे। ये दोनों का रोज का रूटीन था। इसी के चलते उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और उनके परिवार को अनिल के खुदकुशी करने के बारे में पता चला। साथ ही माना जा रहा है कि अनिल अरोड़ा की बात इस घटना से पहले अपनी छोटी बेटी अमृता अरोड़ा से हुई थी, लेकिन परिवार की तरफ से इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अनिल का परिवार गहरे सदमे में है। मलाइका और अमृता फूट फूट कर रो रही हैं और उन्होंने पुलिस से बातचीत कर अपने बयान दर्ज करवाए हैं। मामले की जांच में उन्होंने पुलिस की मदद करने का वादा किया है। अनिल के रूटीन और अन्य बातों को लेकर दोनों पुलिस से अगले कुछ दिन और बात करेंगे। मलाइका अरोड़ा के घर उनके करीबियों और फिल्मी सितारों ने आना भी शुरू कर दिया है। मलाइका अरोड़ा की बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर खान उनके घर पहुंची है। अनन्या पांडे और उनके पिता चंकी पांडे भी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। इसके अलावा हेलेन, सोफी चौधरी, किम शर्मा और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी भी यहां आए हैं। मीडिया से बातचीत में मुंबई पुलिस के अफसर ने मामले को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने कहा, अनिल की बॉडी मिली थी, वो 6ठी मंजिल पर रहते थे। अभी हम जांच कर रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो भी जांच कर रही है। बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह का पता लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पिता की मौत की खबर मिलते ही मलाइका अरोड़ा पुणे से मुंबई रवाना हो गई थी। अब वो घर पहुंच गई है। उनका वीडियो सामने आया जहां एक्ट्रेस मास्क पहने हैरान परेशान सी बिल्डिंग में एंट्री लेती दिखाई दी। उनके साथ उनकी छोटी बहन अमृता अरोड़ा भी दिखी। अमृता रोते हुए बिल्डिंग में घुसी, उन्हें अपना मुंह छुपाते हुए देखा गया। इस बीच मलाइका अरोड़ा के बेटे अरहान खान, अमृता अरोड़ा के पति शकील, अरबाज खान के पिता सलीम खान, भाई सोहेल खान और सीमा सचदेव भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। मलाइका के बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर को उन्हें संभालते हुए भी देखा गया। सभी एक्ट्रेस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। मलाइका के एक्स हस्बैंड अरबाज खान भी इस मुश्किल घड़ी में उनके घर पहुंचे हैं। अरबाज खान को मलाइका के घर के बाहर पुलिस और अन्य लोगों से बात करते हुए देखा गया। एक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी हिंदू परिवार के थे। उनका परिवार बॉर्डर पर बसे फाजिल्का जिले का रहने वाला था। अनिल ने भारतीय मर्चेंट नेवी में नौकरी की है। अनिल अरोड़ा ने जॉयस पॉलीकार्प से शादी की, जो मलयाली क्रिश्चियन परिवार से आती है। बताया जा रहा है कि जब अनिल अरोड़ा ने खुदकुशी की तब मलाइका अरोड़ा घर पर नहीं थी। ये आज 11 सितंबर सुबह 9 बजे के करीब की घटना है, जब अनिल अरोड़ा ने बांद्रा स्थित बिल्डिंग के अपने घर के टेरेस से कूदकर आत्महत्या की। उस वक्त मलाइका पुणे में थी। घटना की जानकारी मिलते ही एक्ट्रेस पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुई। जुलाई 2023 में मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब एक्ट्रेस को अपनी मां जॉयस के साथ अस्पताल में उनसे मिलने जाते भी देखा गया। हालांकि अनिल अरोड़ा को अस्पताल में किस वजह से भर्ती करना पड़ा, इस बारे में जानकारी नहीं मिली थी। न तो मलाइका और न ही उनके परिवार ने अनिल अरोड़ा की सेहत को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया था।